हेलो ब्यूटी फैमिली, दिस इज डॉक्टर महमूद खान फ्रॉम डिटॉक्स क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश। आज मैं आपके सामने फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स के साथ। ये मेरे एक पेशेंट है साथ जो भोपाल के रहने वाले हैं, और पिछले 1.5 महीने से हम इनका जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इनकी काफ़ी ज़्यादा समस्या जो थी सीवियर थी, है ना। अब ये थोड़ा सा अपने बारे में खुद ही बताएंगे कि साथ जब आपका ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया था तो आपकी कंडीशन जो थी वो क्या थी? मेरे सर ये यहाँ पूरे मतलब बाल बहुत कम थे, उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी। और आपको जो मेन समस्या जो थी वो थी हेयर फॉल, करेक्ट? तो हेयर फॉल कितने टाइम से हो रहा था आपको? 3 साल से। 3 साल से जब इनको हेयर फॉल हो रहा था, तो हम भी ये बात जानते हैं जब हेयर फॉल कंटिन्यू होता रहता है तो हमें मेल बाल्डनेस पैटर्न का सामना करना पड़ता है, जिससे वजह से इनके जो आगे के बाल थे वो पीछे होने लगे, रिसीडिंग होने लगे थे, है ना। हमने जब इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो आई गेस इस बात को 1.5 महीना हो चुका है, जिसमें हमने आई गेस 5 से 6 जमा करे हैं, डाइट प्लान करा, न्यूट्रिशन करा। उससे हमें क्या फ़ायदा मिला? जो हमारा हेयर फॉल हो रहा था वो रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के साथ क्या हुआ, जो बाल पतला हो रहा था, बाल झड़ रहा था, वो झड़ना बंद हुआ। क्यों? हिजामा के अंदर क्या होता है कि हिजामा हमारे DHT डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो ब्लॉक होता है उसको ख़त्म करता है, क्योंकि वो ब्लॉकेज जब होता है तो उसके साथ क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बालों को प्रॉपर नहीं मिल पाता, बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो हिजामा करने के साथ क्या होता है, वो जो ब्लॉकेज होता है वो ख़त्म होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। तो हिजामा का बेनिफिट तो ये हो गया, ठीक है। प्लस इसमें हमने जब न्यूट्रिशन डाइट पे काम करा, इसलिए क्योंकि जैसे कोई पेड़, अब हम सोचें से पेड़ को पानी से ग्रोथ करें तो ऐसा नहीं हो सकता, पेड़ को खाद भी चाहिए, हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए। इसी तरह से बालों को ग्रोथ करने के लिए हमें उसमें न्यूट्रिशन भी चाहिए और डाइट पे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि डाइट हम देंगे बालों को, बालों को, तो उसमें ग्रोथ अच्छी होती। इसी तरह से मेरे पेशेंट खुद ये बताएंगे, जब हमने एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया 1.5 महीने में हिजामा से, डाइट से, मेडिसिन से, तो आपको उससे क्या फ़ायदा मिला आपकी समस्या में? सर मुझे एक तो बालों की जो ग्रोथ थी वो थोड़ी सी मोटी हुई, बाल जो पतला था वो मोटा हो गया, पतला था वो मोटा हुआ। उसके बाद ये पूरे एरिया में कुछ मतलब पूरा स्किन दिखने लगी थी, अब वो ऐसा उसमें बालों में ग्रोथ आ गई है, उसकी थिकनेस भी जो है बालों की वो भी मोटी हो गई है। अब जैसे इन्होंने अपनी कंडीशन बता रहे हैं कि इनका ये जो बाल था हेयर फॉल होने की वजह से पीछे की तरफ चला गया था, बाल काफ़ी पतला होता था और जो अंदर का स्कैल्प है वो पूरी स्किन दिखा करती थी, मेल बाल्डनेस पैटर्न दिखा करता था। इसमें हमने जो रिवर्स हेयर ट्रीटमेंट किया तो क्या हुआ, बाल झड़ना बंद हुआ, जो बाल जो पतला था वो मोटा डेंसिटी आई, और जो रिसीडिंग हेयरलाइन पीछे की तरफ जा रहा था बाल वो आगे की तरफ आया, जिससे आज इनका पूरा सर भरा हुआ है, हर जगह एक नई ग्रोथ दिख रही है, है ना। तो इसी तरीके से जब प्रॉपर ट्रीटमेंट किया तो हिजामा से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ, डाइट और न्यूट्रिशन से बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई। और आपके सामने ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर ये एक पहला पार्ट है, इसका हम ट्रीटमेंट अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें जो और बेटर रिजल्ट आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे।